जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 1.2 का क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। ओके, इसमें हमें 8, 9 और 25 के LCM और HCF निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 8, 9, 25 के हम अवयव इस तरह से निकालेंगे। तो ये है हमारे 8 के अवयव। 8 किसकी टेबल में आता है? 2। तो 2 चौक 8। 4 किसकी टेबल में आता है? 2 दुनी। ओके, तो 2 दुनी 4 और यहाँ पर 2 एकम 2। ये हो गए हमारे 8 के अवयव। तो पहले हम इसे इस तरह लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब क्योंकि 2 तीन बारी है तो इसको हम 2 की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9। तो 9 के अवयव, 9 किसकी टेबल में आता है? 3 तिया। ओके, तो ये हो गया 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो ये 9 के अवयव आ गए। 9 के अवयव आए 3 गुणा 3, तो इसको हम लिखेंगे 3 का वर्ग। ओके, उसके बाद है 25। तो 25 किसकी टेबल में आता है? 5 पंजे। ओके, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी कि 25 के अवयव हमारे क्या आए? 5 गुणा 5, यानी कि इसको हम लिख देंगे 5 का वर्ग। ओके, अभी हमने 8, 9 और 25 तीनों के अवयव हमने फाइंड कर लिए। अब हम निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए, जब हम 2 या 3 नंबर के एलसीएम निकालते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप उस कंफ्यूजन को पहले दूर करें कि 2 से ज्यादा नंबर के या 2 के नंबर के एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले इनके अवयव निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद यदि कोई घात की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 2 की घात 3, क्योंकि 2 तीन बारी था हमारे पास तो हमने 2 की घात 3 लिख दिया। यहाँ 3 दो बारी था तो 3 की घात 2 लिख दिया। यहाँ 5 दो बारी था तो 5 की घात 2 लिख दिया। ओके, अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम तीनों नंबर के अवयव देखेंगे और उसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एक बात, और उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे ज्यादा घात कितनी है। पहले देखना है सबसे छोटा नंबर। ये तीनों के अवयव हैं। ओके, ये हमारे 8, 9, 25 के अवयव हैं। अभी जैसे सबसे पहला नंबर हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 2। ओके, और 2 की हाईएस्ट घात मतलब कि सबसे ज्यादा घात है 3। तो 2 की घात 3 हमारा हो गया पहला एलसीएम। ओके, 2 के बाद कौन सा नंबर है इनमें? 3। ओके, हमें एक ऑर्डर में चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा था 2, 2 की हाईएस्ट घात थी 3, तो हमने वो यहां लिख दिया। अब 2 के बाद नंबर आ रहा है इनमें 3, तो 3 की हाईएस्ट घात है 2। ओके, 3 की हाईएस्ट घात है 2, तो वही हमारा एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद देखिए इनमें 4 नहीं है, उसके बाद है 5। 5 की हाईएस्ट घात है 2। ठीक है, तो 5 की हाईएस्ट घात 2 हम यहां लिख देंगे। ये हो गया हमारा एलसीएम। ओके, तीनों नंबर का एलसीएम आ गया हमारा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। कैसे, हमें क्या देखना है? तीनों के अवयव में हमें पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसे हमें ऑर्डर में चलना है। एक बार उसके बाद हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर इनमें था 2 और 2 की हाईएस्ट घात मतलब कि पावर सबसे ज्यादा घात है, वही नंबर हमें एलसीएम में ले लेना है। तो 2 की सबसे ज्यादा घात इसमें आई है 2 की घात 3। 2 के बाद नंबर आ रहा है 3। ओके, तो 3 की हाईएस्ट घात मतलब कि 3 में सबसे ज्यादा घात कहाँ है? 3 की घात 2, तो वो हम एलसीएम में ले लेंगे। उसके बाद इसमें 4 नहीं है, 5 है, तो 5 की हाईएस्ट घात, 5 की हाईएस्ट घात है यहाँ पर 2, तो हम ले लेंगे 5 की घात 2। इस तरह से ये हमारा एलसीएम हो गया। अब 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 क्या होती है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, 3 की घात 2 कितनी होती है? 3 गुणा 3, यानी कि 3 दिया 9। 5 की घात 2 कितनी होती है? 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। ठीक है, 2 की घात 3 हो गई 8, 3 की घात 2 हो गई 9, 5 की घात 2 हो गई 25। ओके, अब इन सबको हम करेंगे गुणा। तो 8 निम 72। ओके, लेकिन अभी 25 बाकी है, तो 72 को करेंगे 25 से गुणा। तो देखिए ये मैंने गुणा कर दिया है, 5 दुनी 10 का 0, ऊपर आया 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, यहाँ पे आ गया 0। 2 दुनी 4 और 7 दुनी 14, इनको कर देंगे
प्लस, तो जीरो, छः और चार दस का जीरो, ऊपर आया वन, तीन और चार सात और एक आठ और यहाँ पर एक, तो 72 को 25 से गुणा किया हमें मिला 1800। दैट मीन्स 8 9 25 का एलसीएम आ गया 1800। अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि जो नंबर इन तीनों में आ रहा है अवयव में, कोई भी नंबर हो सकता है वो, जो नंबर इन तीनों के अवयव में आ रहा है, तीनों के ही अवयव में वो नंबर आना चाहिए, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए, दो सिर्फ इसमें आ रहा है 8 के अवयव में, तीन सिर्फ 9 के अवयव में आ रहा है, 5 सिर्फ 25 के अवयव में आ रहा है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों के अवयव में आता हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि कोई भी नंबर अवयव में रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।